नमस्कार, मैं हूं इस्मा, एक टीवी एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मॉडरेटर। मीडिया की दुनिया से पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूं मैं। इससे पहले कि आज की कहानी से मैं आपको रूबरू करवाऊं, दो शब्द कहना चाहूंगी फ्राइडे फेबल्स के बारे में। किसे कहानियां सुनना बांटना किसे पसंद नहीं होता? क्या खूब होगा जिंदगी का सफर जो यूं ही खूबसूरत कहानियों से गुजर जाए। बस यही है फ्राइडे फेबल्स की दास्तान भी। आप सब तक भारतीय साहित्य की वो खूबसूरत कहानियां लाना जो शायद हमारे व्यस्त जीवन में हमसे दूर हो गई हैं। तो आज की कहानी है गुलजार द्वारा लिखी गई तकसीम। शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार का परिचय मैं किन शब्दों में दूं? इनके बारे में कुछ भी कहना दिए को रोशनी दिखाने जैसा होगा। गुलजार साहब दूसरे शायरों, फिल्मकारों और गीतकारों से बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हैं। तो आइए और वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं गुलजार के साथ उनके शब्दों की दुनिया में और सुनते हैं तकसीम। मगर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मेरी आवाज आप सब तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है, इसके लिए प्लीज आप चैट पर मुझे बताएं कि आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि नहीं। प्रीति अगर आप साथ में हैं तो चैट पर मैं जानना चाहूंगी कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है कि नहीं। एक थम्स अप आप दीजिए मुझे। चलिए, तो मुझे ये मैसेज मिल गया है कि सब कुछ ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं इस कहानी की तकसीम की। जिंदगी कभी कभी जख्मी चीते की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है। जरा इन निशानों को एक लकीर से जोड़ के देखिए तो कैसी अजीब तहरीर बनती है। 84-85 की बात है जब कोई एक साहब मुझे अमृतसर से अक्सर खत लिखा करते थे कि मैं उनका तकसीम में खोया हुआ भाई हूं। इकबाल सिंह नाम था उनका और गालिबन खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2-4 खत आने के बाद मैंने उन्हें तफसील से जवाब भी दिया कि मैं तकसीम के दौरान दिल्ली में था और अपने माता पिता के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फिसादों में गुम नहीं हुआ था। लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर बजित रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूं और शायद अपने बचपन के वाकयात से ना वाकिफ हूं या भूल चुका हूं। उनका ख्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफिले के साथ सफर करते हुए गुम हो गया था। हो सकता है कि लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे, उन लोगों ने बताया नहीं मुझे, या मैं उनका इतना एहसान मंद हूं कि अब कोई और सूरत हाल मान लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने ये भी बताया कि 1947 में इतना कम उम्र भी नहीं था, करीब 11 बरस की उम्र थी मेरी, लेकिन इकबाल सिंह किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद खत आने भी बंद हो गए। करीब एक साल गुजरा होगा कि बंबई के एक फिल्मकार सई परांजपे ने से उनका एक पैगाम मिला। कोई हरभजन सिंह साहब हैं दिल्ली में, मुझसे बंबई आकर मिलना चाहते हैं। मुलाकात क्यों करना चाहते हैं इसी वजह सई ने नहीं बताई, लेकिन कुछ भेद भरे सवाल पूछे जिनकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था। पूछने लगी, तकसीम के दिनों में तुम कहां थे? मैंने कहा, दिल्ली में। क्यों? उन्होंने कहा, यूं ही। सई बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती थी, लेकिन आगे उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, और वालिदैन तुम्हारे? मैंने कहा, दिल्ली में थे, मैं साथ ही था उनके। क्यों? थोड़ी देर बात करती रही, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही है बात पर, क्योंकि मुझसे वे हमेशा उर्दू में बात करती थी जिसे वह हिंदी कहती है। सही आखिर
फूट ही पड़ी। देखो गुलजार, यूं है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, लेकिन दिल्ली में कोई साहब हैं जो कहते हैं कि तुम तकसीम में खोए हुए उनके बेटे हो। ये एक नई कहानी थी। करीब एक माह बाद बंबई के मशहूर अदाकार अमोल पालेकर का फोन आया। कहने लगे, मिसेस दंडवते तुमसे बात करना चाहती हैं, दिल्ली में हैं। मैंने पूछा, मिसेस दंडवते कौन? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी, अमोल जी ने कहा। मैंने उनसे पूछा, वो क्यों? जवाब आया, पता नहीं, लेकिन वो किसी वक्त तुम्हें कहां पर फोन कर सकती हैं। मेरा कोई सरोकार नहीं था मिस्टर या मिसेस मधु दंडवते के साथ, कभी मिला भी नहीं था। मुझे हैरत हुई। अमोल पालेकर को मैंने दफ्तर और घर पर मिलने का वक्त बता दिया। अफसाना पल खा रहा था। मुझे नहीं मालूम था ये भी उसी सही वाले अफसाने की कड़ी है, लेकिन अमोल चूंकि अदाकार हैं और अच्छा अदाकार अच्छी अदाकारी कर गया और मुझे इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस वक्त भी वजह जानता होगा। फिर कुछ रोज बाद प्रमिला दंडवते का फोन आया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक सरदार हरभजन सिंह जी बंबई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तकसीम में खोया हुआ उनका बेटा हूं। वो नवंबर का महीना था, इतना याद है। मैंने उनसे कहा, मैं जनवरी में दिल्ली आ रहा हूं इंटरनेशनल फिल्म उत्सव में। 10 जनवरी मैं दिल्ली में होऊंगा, तभी मिल लूंगा, उन्हें यहां मत भेजिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सरदार हरभजन सिंह हैं कौन। उन्होंने बताया, जनता राज के दौरान वो पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। जनवरी में दिल्ली गया, अशोका होटल में ठहरा था। हरभजन सिंह साहब के यहां से फोन आया कि वे कब मिल सकते हैं। तब तक मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि वो कोई बहुत आस्थावान बुजुर्ग इंसान है, बात करने वाले उनके बेटे थे। बड़ी इज्जत से मैंने अर्ज किया, आज उन्हें जहमत ना दे, कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत खाने पर मिलूंगा। हैरत हुई ये जानकर कि सई भी वहां थी, अमोल पालेकर भी वहीं थे और मेरे अगले रोज की इस अपॉइंटमेंट के बारे में वे दोनों जानते थे। अगले रोज दोपहर को जो साहब मुझे लेने आए वो उनके बड़े बेटे थे। उनका नाम इकबाल सिंह था। पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन बूढ़े नहीं होते। उठकर बड़े प्यार से मिले, मैंने बेटे की तरह ही पैरी पूना किया। उन्होंने माँ से मिलाया, कहा, ये तुम्हारी माँ है बेटा। माँ को भी पैरी पूना किया। बेटे उन्हें दारजी कह के बुलाते थे। दूसरे बेटे, बहुए, बच्चे, अच्छा खासा एक परिवार था। काफी खुला खुला बड़ा सा घर। ये खुलापन भी पंजाबियों के रहन सहन में ही नहीं, उनके मिजाज में भी शामिल है। तमाम रस्मी बातों के बाद कुछ खाने को भी आ गया, पीने को भी आ गया, और दारजी ने बताया कि मुझे कहां खोया था उन्होंने। बड़े सख्त दंगे हुए थे जी, हर तरफ आग ही आग थी और आग में झुलसी हुई खबरें पर हम भी टिके ही रहे। जमींदार मुसलमान था और हमारे पिताजी का दोस्त था और बड़ा मेहरबान था हम पर सारा कस्बा जानता था कि उसके होते कोई बेवक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकता था। उसका बेटा स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, शायद अयाज नाम था उसका। लेकिन जब पीछे से आने वाले काफिले हमारे कस्बे से गुजरते थे तो दिल दहल जाता था, अंदर ही अंदर कांप जाते थे हम। जमींदार रोज सुबह और शाम को आकर मिल जाता था, हौसला दे जाता था। मेरी पत्नी को बेटी बना रखा था उसने। ये सभी बातें बता रहे थे हरभजन सिंह जी। एक रोज चीखता चिल्लाता एक ऐसा काफिला गुजरा कि सारी रात छत की मुंडेर पर खड़े गुजरे। हमें नहीं, सारा कस्बा जाग रहा था। लगता था वही आखिरी रात है, सुबह प्रलय आने वाली है। हमारे पांव उखड़ गए।
पता नहीं क्यों लगा कि बस यही आखिरी काफिला है, अब निकल लो, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपने मोहसिन अपने जमींदार से दगा करके निकल आए। वो रोज कहा करता था, मेरी हवेली पर चलो, मेरे साथ रहो, कुछ दिन के लिए ताला मार दो घर को, कोई नहीं छुएगा। लेकिन हम झूठ मूठ का हौसला दिखाते रहे, अंदर ही अंदर डरते थे। सच बताऊं, संपूर्ण ईमान हिल गया था, जड़ें कांपने लगी थी। सारे काफिले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सुना था मियांवाली से होके जम्मू में दाखिल हो जाओ तो आगे नीचे तक जाने के लिए फौज की टुकड़ी मिल जाएगी। घर वैसे के वैसे ही खुले छोड़ाए थे हम। सच तो ये है कि दिल ने बांग दे दी थी, अब वतन की मिट्टी छोड़ने का वक्त आ गया। पूछ कर चलो, दो लड़के बड़े, एक छोटी लड़की 8 साल या 9 साल की, और सबसे छोटे तुम। 2 दिन का सफर था मियांवाली तक पैदल। खाने को जिस गांव से गुजरते कुछ ना कुछ मिल जाता था। दंगे सब जगह हुए थे, हो भी रहे थे, लेकिन दंगे वालों के लश्कर हमेशा बाहर ही से आते थे। मियांवाली तक पहुंचते पहुंचते काफिला बहुत बड़ा हो गया। कई तरफ से लोग आ आकर जुड़ते जाते थे। बड़ी ढांढस होती थी बेटा अपने जैसे दूसरे पठान लोगों को देखकर। मियांवाली हम रात को पहुंचे। इसी बीच कई बार बच्चों के हाथ छूट गए हमसे, बदहवास होकर पुकारने लगते थे। और भी थे हम जैसे, एक कोहराम सा मचा रहता था। पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि उस रात मियांवाली पर हमला होने वाला है, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। खौफ और डर का ऐसा सन्नाटा कभी नहीं सुना। रात ही रात हम सब चल पड़े। दारजी फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए, उनकी आंखें नम हो रही थी। लेकिन माँ चुपचाप टकटकी बांधे मुझे देखी जा रही थी, कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पर। दारजी बड़े धीरे से बोले, बस उसी रात उस कूच में छोटे बच्चे हम दोनों छूट गए, पता नहीं कैसे। पता हो तो, मैंने पूछा तो, वो जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गए। बोले, मुझे बहुत तफसील से याद नहीं बेटा। इतने में बहुएं उठी, कुछ जगहें बदल के लोग बैठ गए। दारजी ने बताया, जम्मू पहुंचकर बहुत अरसा इंतजार किया, एक एक कैंप जाकर ढूंढते थे और आने वाले काफिलों को देखते थे। बेशुमार लोग थे जो काफिला की शक्ल में ही कुछ पंजाब की तरफ चले गए, कुछ नीचे उतर गए, जहां जहां जिस किसी के रिश्तेदार थे। जब मायूस हो गए हम तो पंजाब आ गए, वहां के कैंप खोजते रहे। बस एक तलाश ही रह गई, बच्चे गुम हो चुके थे, उम्मीद छूट चुकी थी। 22 साल बाद एक जत्था हिंदुस्तान से जा रहा था, गुरुद्वारा पंजा साहब की यात्रा करने, बस दर्शन के लिए। अपना घर देखने का भी कई बार ख्याल आया था, लेकिन ये भली मानस हमेशा इस ख्याल से ही टूट के निढाल हो जाती थी। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर ये गिल्ट भी हमसे छूटा नहीं कि हमने अपने कस्बे के जमींदार का एतबार नहीं किया। सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास भी होता था। बहरहाल हमने जाने का फैसला कर लिया, और जाने से पहले मैंने एक खत लिखा जमींदार के नाम और उनके बेटे अयाज के नाम भी, अपने हिजरत के हालात भी बताए, परिवार के सभी और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी किया, सत्या और संपूर्ण का। ख्याल था शायद अयाज तो ना पहचान सके, लेकिन जमींदार अफजल हमें नहीं भूल सकता। खत मैंने पोस्ट नहीं किया, सोचा वहीं जाके करूंगा। 20-25 दिन का दौरा है, अगर मिलना चाहेगा तो चाचा अफजल जरूर जवाब देगा, बुलवाया तो जाएंगे, वरना अब क्या फायदा कब्रें खोल के, क्या मिलना है। एक लंबी सांस लेकर हरभजन सिंह जी बोले, वह खत मेरी जेब में ही पड़ा रहा।
वापसी में कराची से होकर आया और जिस दिन लौट रहा था पता नहीं क्या सूची मैंने डाक में डाल दिया। ना चाहते हुए भी एक इंतजार रहा, लेकिन कुछ माह गुजर गए तो वो भी खत्म हो गया। 8 साल के बाद मुझे जवाब आया, अफजल चाचा का। मैंने चौंक कर पूछा, वो चुप रहे। मैंने फिर पूछा, अयाज का? सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोले, हाँ, उसी खत का जवाब था। खत से पता चला कि तकसीम के कुछ साल बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हो गया था। सारा जमींदारा अयाज ही संभाला करता था। चंद रोज पहले ही अयाज का इंतकाल हुआ था। उसके कागज पत्तर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज की जेब से वो खत निकला। मातम कुर्सी के लिए आए लोगों में किसी ने वो खत पढ़ के सुनाया तो एक शख्स ने इतला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र है इस खत में, वह अयाज के इंतकाल पर मातम कुर्सी करने आई हुई है मियांवाली से। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसका असली नाम है सत्या। वो तकसीम में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी और अब उसका नाम है दिलशाद। माँ की आंखें अब भी खुश्क थी, लेकिन दारजी की आवाज फिर से रूंध गई थी। वाही गुरु का नाम लिया और उसी रोज रवाना हो गए। दिलशाद वही मिली अफजल चाचा के घर। लो जी, उसे सब याद था पर अपना घर याद नहीं। हमने पूछा, वो खोई कैसे, बिछड़ी कैसे हमसे? तो उसने बताया, मैं चल चल के थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं घर के आंगन में एक तंदूर लगा था, उसके पीछे जाके सो गई थी। जब उठी तो कोई भी नहीं था। सारा दिन ढूंढ के फिर वहीं जाके सो जाती थी। 3 दिन बाद उस घर वाले आए तो उन्होंने जगाया। मियां बीवी थे, फिर वही रख लिया कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए, पर कोई नहीं आया। उन्हीं के घर नौकरानी सी हो गई। खाना कपड़ा मिलता था पर बहुत अच्छी तरह रखा। फिर बहुत साल बाद, शायद 8-9 साल बाद, मालिक ने मुझसे निकाह पढ़ा के अपनी बेगम बना लिया। अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं, एक पाकिस्तान एयरफोर्स में है, दूसरा कराची में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा है। राइटर्स को कुछ क्लीशे किस्म के सवालों की आदत होती है जिसकी जरूरत नहीं होती। मैंने भी पूछा, वो हैरान नहीं हुई आपको देखकर या मिलकर, रोई नहीं? जवाब आया, नहीं, हैरान तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई खास प्रभावित भी नहीं हुई। दारजी ने कहा, बल्कि जब भी सोचता हूं उसके बारे में तो लगता है बार बार मुस्कुरा देती थी हमारी बातें सुनकर, जैसे हम कोई कहानी सुनाने आए हैं। उसे लगा नहीं कि हम ही उसके माँ बाप हैं। और संपूर्ण उसके साथ नहीं थी? जवाब आया, नहीं, उसे तो याद भी नहीं। माँ ने फिर वही कहा जो इन बातों के दरमियान 2-3 बार कह चुकी थी, पिन्नी यानी संपूर्ण, तू मान क्यों नहीं जाता, क्यों छुपाता है हमसे? अपना नाम भी छुपा रखा है तूने, जैसे सत्या दिलशाद हो गई तुझे भी किसी ने गुलजार बना दिया होगा। थोड़े से वक्फे के बाद वे फिर बोली, गुलजार किसने नाम दिया तुझे? नाम तो तेरा संपूर्ण सिंह है। मैंने दारजी से पूछा, मेरी खबर कैसे मिली आपको, या कैसे ख्याल आया कि मैं आपका बेटा हूं? दारजी ने बताया, ऐसा है पुत्र, वाहे गुरु की करनी, 30-35 साल बाद मिल गई तो उम्मीद बंध गई शायद वाहे गुरु बेटे से भी मिला दे। इकबाल ने एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा किसी पर्चे में और बताया कि तुम्हारा असली नाम संपूर्ण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश भी उसी तरफ की है, पाकिस्तान की। तो उसने तलाश शुरू कर दी। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि उसका नाम इकबाल अफजल चाचा का दिया हुआ था। माँ ने पूछा, काका तू जहां मर्जी है रहे, तू मुसलमान हो गया है तो कोई बात नहीं,
पर मान तो ले, तू ही मेरा बेटा है पिन्नी। मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह जी को ना उम्मीद करके लौट आया। इस बात को भी 7-8 साल हो गए, अब सन 1993 है। इतने अरसे बाद इकबाल की चिट्ठी मिली और वोट का कार्ड मिला कि सरदार हरभजन सिंह जी परलोक से धर गए। माँ ने कहलाया है कि छोटे को जरूर खबर देना। मुझे लगा जैसे सचमुच मेरे दारजी गुजर गए। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद ही खूबसूरत सी कहानी तकसीम, जो कि बंटवारे से जुड़े एक दर्द भरी दास्तान को बयान करती है। गुलजार साहब का अंदाज, क्या कहने। जी हाँ, गुलजार साहब का अंदाज इस कहानी को और भी खास बनाता है। मखमल एहसासों और रुई के फाहे जैसे भीने भीने शब्दों से गुलजार ने कुछ ही कहानियां और कई गीत लिखे हैं। तकसीम भी ऐसी ही एक खूबसूरत सी कहानी है। आज यहाँ फ्राइडे फेबल्स में आकर गुलजार साहब की कहानी को पढ़ना मेरे लिए एक शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बचपन की सहेली प्रीति शारदा की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। फ्राइडे फेबल्स इज एन एक्सलेंट इनिशिएटिव प्रीति। और अब जाते जाते गुलजार साहब की एक नज्म से आप सबको फ्राइडे फेबल्स का मोटिव बयान करना चाहूंगी। तो पेश है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबतों में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो जनाब, किताबें पढ़ने की आदत मत छोड़िए, अगर नहीं है आदत तो डालिए ये आदत। इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी मैं इस्मा। धन्यवाद।